चलिए फिजिक्स में एक बार थोड़ा सा समझते हैं कि इलास्टिक लिमिट क्या होता है। इलास्टिक लिमिट आपने समझ गए होंगे आप लोगों ने। हमने क्या देखा था कि कोई मटेरियल है, उस मटेरियल के यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाइड करते जाते हैं। ठीक, जैसे जैसे डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाइड करते हैं तो इसका लेंथ क्या होता है, चेंज होते जाता है। और एक ऐसा समय आता है कि इसका लेंथ इतना चेंज हो जाए कि डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव करने पर भी ये अपना ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन पे ना लौट पाए। समझ में आ गया? तो जहां से वो अपना ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन पे लौट जाए वहां तक उसका क्या कहलाएगा, इलास्टिक लिमिट कहलाएगा। समझ पाई? इसी को इस लिखे हैं कि इलास्टिक लिमिट्स मे बी डिफाइंड एज दैट मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू यानी कि सबसे कम वैल्यू ऑफ इंक्रीजिंग स्ट्रेस। स्ट्रेस का मतलब आप फोर्स समझेंगे, जो नीचे की ओर क्या लग रहा है, जो फोर्स लग रहा है उसको हम क्या बोले यहां पे, स्ट्रेस। आफ्टर विच द मटेरियल विल नॉट कम बैक इट्स ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, अपना जो ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन है वो फिर से लौट के नहीं आएगा। आफ्टर रिमूव ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स, वो इतना ज्यादा यहां से खींचा जाएगा कि डिफॉर्मिंग फोर्स को हटाने पर भी वो अपना ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में नहीं आएगा। तो जहां तक आएगा, जिस डिफॉर्मिंग फोर्स तक वो अपना ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में लौट के आए, वहीं उसका क्या कहलाएगा, इलास्टिक लिमिट कहलाएगा। समझ में आया? चलिए आगे देखें हम लोग। हुक्स लो, ये हुक का नियम, क्या कहा कि अगर किसी मटेरियल का स्ट्रेस को आप बढ़ा देंगे, किसको बढ़ा देंगे, स्ट्रेस को बढ़ा देंगे, तो आपका ऑटोमेटिकली स्ट्रेन भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। समझ में आ गया? तब इस केस में आप क्या समझें कि इस नियम के अनुसार, हुक्स के नियम के अनुसार जो आपका स्ट्रेस है वो स्ट्रेन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। समझ में आया? अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, According to Hooke's law, stress is directly proportional to the strain of the material. मटेरियल मतलब देयरफॉर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन। आपको याद होगा स्ट्रेस में हमारा रीस्टोरिंग फोर्स काम करती है जबकि स्ट्रेन में डिफॉर्मिंग फोर्स काम करती है। समझ में आ गया? और स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है, इक्वल टू लगाएंगे और यहां पे एक क्या लगाएंगे, कॉन्स्टेंट, और आपका क्या हो जाएगा, इनटू स्ट्रेन। अगर यहां से कॉन्स्टेंट को आप बाहर निकाल लेते हैं, किसको, के को, तो आपको क्या मिलेगा, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। मतलब स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो रेशियो है वो भी क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है, ये भी नहीं बदलेगा। समझ में आ गया? यहां पे आपने जो के निकाला, ये के यहां पे क्या है, हियर के इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। Known as modulus of elasticity, known as modulus of elasticity. कि आप चाहे तो इस a को e भी लिख सकते हैं। ठीक,
हमने क्या लिखा, हेयर के इज द कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी नोन एज मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्या है इलास्टिसिटी? के। और इसी के को आप क्या लिख सकते हैं, ई भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये माना हुआ चीज है। अगर आप के मानते हैं तो के होगा, ई मानते हैं तो ई होगा। समझ पाई? अगर आप क्या माने, के को ई मान लिए तो आपको ई इक्वल टू भी वही मिलेगा। Therefore, E is equal to क्या हो जाएगा आपका, स्ट्रेस बाई स्ट्रेन। समझ पाई? यहाँ पे E क्या है, इसके नाम से जानेंगे, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसके नाम से जानेंगे। अब यहाँ पे मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है, ये मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी बेसिकली कितनी प्रकार की होती है हमारा, तीन प्रकार का होता है। कितनी प्रकार की होती है? टाइप ऑफ मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, तीन प्रकार की होती है। फर्स्ट नंबर, पहला को हम लोग क्या जानते हैं, यंग मॉड्यूलस। पहला मॉड्यूलस को किसके नाम से जाना जाता है, यंग मॉड्यूलस, यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। यंग मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी हो गया। यंग मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी को वाई से रिप्रेजेंट किया जाता है, वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए अब यहां पे थोड़ा सा बात समझ लेते हैं कि आपने E इक्वल टू क्या निकाला था, जल्दी बोलिए, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। ये E क्या था हमारा, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। E मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इक्वल टू स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। अब यहां पे हमारा नाम क्या आया, यंग, यंग मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। अगर यंग मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी को हम इसमें कन्वर्ट करना चाहे तो E के जगह में क्या लिखेंगे, y। समझ में आ गया? और ये जो स्ट्रेस और स्ट्रेन है, ये हमारा किसी भी मटेरियल के लंबाई पर क्या करता है, डिपेंड करता है। समझ में आ गया? किसके ऊपर डिपेंड करता है, केवल उसकी लंबाई पे, ओनली डिपेंड ऑन लेंथ, दूसरा चीज पे वो डिपेंड नहीं करेगा। कौन, यंग मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। समझ में आया? तो क्या लिखेंगे यहां पे, ध्यान से देखिए, यंग मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी आर द रेशियो बिटवीन longitudinal longitudinal क्या लिखा हुआ है ऊपर में, स्ट्रेस एंड longitudinal strain। यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी किस पे डिपेंड करता है, किसी भी मटेरियल की लंबाई पर। समझ में आ गया? यही चीज बना आपका, E फॉर मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इक्वल टू स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। लेकिन हमने एक नया नाम दिया यहां पे, क्या, यंग। और यंग का जो इलास्टिसिटी ऑफ मॉड्यूलस है वो किसी भी मटेरियल के कहां पे डिपेंड करता है, उसकी लेंथ लंबाई पर डिपेंड करता है, उसकी चौड़ाई और उसकी वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करेगा। किस पे डिपेंड करेगा, केवल लेंथ पे। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यंग मॉडुलस ऑफ प्लास्टिसिटी आर द रेशियो बिटवीन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस एंड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। समझ में आया? यंग मॉडुलस ऑफ प्लास्टिसिटी को आप रिप्रेजेंट किससे किए हैं, वाई से। तो वाई इक्वल टू ई के जगह में क्या लिखे हम, वाई।
स्ट्रेस के जगह में क्या लिखेंगे बोलिए, लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बाय स्ट्रेन के जगह में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ये लिखेंगे। चलिए और थोड़ा सा बात यहां पे समझिएगा, आपने पहले पढ़ चुका है स्ट्रेस इक्वल टू क्या होता है, फोर्स बाय एरिया होता है, नहीं होता है? स्ट्रेन इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ या वॉल्यूम जो भी है, लेकिन यहां पे हम किसकी बात कर रहे हैं, यंग की बात कर रहे हैं, तो यंग किसको, वॉल्यूम को चेंज करेगा, किसको चेंज करेगा, लेंथ को। तो स्ट्रेन इक्वल टू इस केस में क्या लिखेंगे, चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, ओरिजिनल लेंथ मतलब डेल्टा एल बाई एन, ये लिखेंगे। तो इस केस में आपको क्या मिलेगा, चलिए यंग मॉडुलस ऑफ प्लास्टिसिटी वाई इक्वल टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस का क्या होता है, फोर्स बाय एरिया बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, क्या है आपके पास में, डेल्टा एल बाय एन। समझ में आया? और क्या हो जाएगा ये एफ, ये थर्ड टर्म है तो इसके साथ में मल्टीप्लाई होगा, एफ एल बाई डेल्टा एल इंटू ए, ये मिलेगा। अगर ये एरिया, ये आपका ए क्या है, ए क्या है यहां पे, एरिया है, एरिया है। अगर आपका रड सिलेंड्रिकल शेप में हो, किस शेप में हो, सिलेंड्रिकल शेप में हो, तो ये एरिया, ये देख रहे हैं, ये क्रॉससेक्शनल एरिया किसके बराबर होता है, पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है। अब पढ़े हैं ना, नहीं पढ़े, किसके बराबर होता है, पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है। तब अगर ये एरिया पाई आर स्क्वायर के बराबर हुआ तो यंग मॉडुलस ऑफ प्लास्टिसिटी आपको क्या मिल जाएगा, एफ एल बाई डेल्टा एल इंटू एक जगह में क्या लिखेंगे, पाई आर स्क्वायर लिखेंगे। ये आपका क्या था, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पार्टिकुलर मटेरियल के लिए क्या होती है, फिक्स्ड होती है। क्या मेरा बात समझ में आया, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पार्टिकुलर मटेरियल के लिए क्या होता है, फिक्स होता है। कहने का मतलब है कि स्टील के लिए फिक्स है, रबर के लिए भी क्या है, फिक्स है, आपका आयरन के लिए भी क्या है, फिक्स है, और एल्युमिनियम के लिए भी क्या है, फिक्स है। सबका एक ही होगा क्या, सबका क्या होगा, अलग अलग होगा। मतलब पार्टिकुलर मटेरियल के लिए यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है, फिक्स होता है। समझ में आ गया कि आप, अगर आपको क्वेश्चन में रबर दिया हुआ है तब रबर की जगह पे आप आयरन का यंग मॉडुलस ऑफ प्लास्टिसिटी नहीं पुट कर सकते हैं। समझ में आ गया, यहां पे यंग मॉडुलस ऑफ प्लास्टिसिटी का मतलब क्या हुआ कि जब आप रबर को नीचे की ओर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं तो प्रैक्टिकली आप देखे हैं कि वो ज्यादा जल्दी क्या होता है, नीचे की ओर स्ट्रेच में चला जाता है, पतला होते चला जाता है। लेकिन स्टील में जब कोई फोर्स लगाते हैं तो उतना जल्दी वो स्ट्रेच होता है क्या, नहीं होता है। इसका क्या मतलब कि रबर का यंग मॉडुलस ऑफ प्लास्टिसिटी दूसरा है और स्टील का यंग मॉडुलस ऑफ प्लास्टिसिटी दूसरा है। मतलब कि पार्टिकुलर मटेरियल के लिए यंग मॉडुलस ऑफ प्लास्टिसिटी क्या होती है, फिक्स होती है। स्टील का फिक्स है, रबर का भी क्या है, फिक्स है, उसी तरह से एल्युमिनियम का भी क्या है, फिक्स है। समझ में आ गया, यहां पे लिख दीजिए एक लाइन, फॉर ए पार्टिकुलर, फॉर ए पार्टिकुलर, पार्टिकुलर मटेरियल, मटेरियल वाई इज, वाई का मतलब यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज फिक्स, फिक्स में भी लिख लीजिए। चलिए
फॉर एग्जाम्पल में लिख लीजिए, मान के चलिए हम किसको उठाएं, एल्युमिनियम को। एल्युमिनियम का यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है 70, कितना 70, 70, ठीक। और मान के चलिए दूसरा हम चीज उठा लेते हैं, जैसे कि कॉपर, क्या उठा लेते हैं, कॉपर। तो कॉपर का भी आपका यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या है, दूसरा है, इसका है 110, 110। उसी तरह से आयरन का उठा लेते हैं, किसका, एफी का, इसका 190, ठीक। और देख लीजिए एक स्टील उठा लीजिए, इसका 200 होता है। अब इसको थोड़ा सा इन डेप्थ हम समझते हैं, ध्यान से समझिए इसको, कि मान के चलिए कि एल्युमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, आयरन हो गया और ये स्टील हो गया। अब सेम डायमीटर का, सेम लेंथ वाला कोई वायर लेंगे या कोई सिलिंड्रिकल शेप रड लेंगे, सेम डायमीटर वाला, समझ में आया, इस चारों मटेरियल का, क्या मेरा बात समझ पा रही है, यहां भी बताते हैं। चलिए ये एक रड है, ये एक रड है और ये भी क्या है, एक रड, सबका लेंथ हमारा क्या है, इक्वल है। ये आपका एल्युमिनियम का हो गया, ये आपका कॉपर का, ये आयरन का और ये हो गया स्टील का, समझ में आया। एल्युमिनियम का आपका वाई यानी कि यंग मॉडुलस प्लास्टिसिटी कितना, 70, कॉपर का 110, इसका 190 और इसका 200, इतनी सी बात आपको समझ में आया। सबकी लेंथ और डायमीटर क्या है, सेम है। अब सब में आप सेम वेट देंगे नीचे की ओर, क्या मेरा बात समझ में आया, सब में क्या देंगे, सेम वेट देंगे, तो आप क्या देखेंगे कि जिसका यंग मॉडुलस ऑफ प्लास्टिसिटी सबसे कम है वो ज्यादा, उसका मतलब डेल्टा एल ज्यादा होगा, क्या मेरा बात समझ पाई। डेल्टा एल का मतलब क्या हुआ, चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ उसका क्या होगा, ज्यादा होगा इतना ही वेट में, समझ में आ गया। कहने का मतलब है कि एल्युमिनियम का 70 है तो इसकी लंबाई इतना सा बढ़ा, समझ में आया, सिर्फ समझने के लिए। तो वहीं पे आपका कॉपर का थोड़ा सा कम लंबाई बढ़ेगा, और वहीं पे देखे किसका, लोहा का, तो और कम बढ़ेगा, और स्टील का सबसे कम लंबाई चेंज होगा, समझ पाई। तो सब एक पार्टिकुलर मटेरियल के लिए सबका यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है, फिक्स होता है। चलिए दूसरा नंबर हमारा था वॉल्यूमेट्रिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। सेकंड नंबर में क्या था, वॉल्यूमेट्रिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसको और एक नाम से हम लोग किसके नाम से जानते हैं, बल्क, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के नाम से भी जानते हैं, किसको, वॉल्यूम मैट्रिक को। फिजिक्स की भाषा में इसको बी से रिप्रेजेंट किया जाता है, किसे रिप्रेजेंट करते हैं, बी से। यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी किसके ऊपर डिपेंड किया था, लेंथ पे, ओनली लेंथ पे, लेकिन ये बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी किसके ऊपर डिपेंड करेगा, पूरा वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड करेगा, समझ में आ गया, इसके ऊपर डिपेंड करेगा वॉल्यूम के ऊपर। तो आपने अभी पढ़ के रखा E इक्वल टू स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, यही पढ़े। अब जब हम इसका मैथमेटिकल रिलेशनशिप बनाएंगे तो E के जगह में आप क्या लिखने वाले हैं, B के लिखने वाले हैं, और स्ट्रेस के जगह में क्या लिखेंगे, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन लिखेंगे, समझ में आया, डाउट है, डेफिनेशन लिखना, लिख पाएगी, हाँ लिख लीजिए, क्या लिखेंगे हम लोग, इट इज डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो बिटवीन, क्या लिखेंगे,
वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस एंड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, है ना। तो B इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। समझ भाई। तो B इक्वल टू बोलिए यहां पे क्या लिखा हुआ है, स्ट्रेस लिखा हुआ है। स्ट्रेस का मतलब आपको पता है फोर्स बाय एरिया होता है, नहीं है तब क्या लिखेंगे इसके जगह में, फोर्स बाय एरिया। स्ट्रेन की जगह में क्या लिखेंगे, चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। चेंज इन वॉल्यूम के लिए डेल्टा भी बाय ओरिजिनल वॉल्यूम के लिए भी। आगे सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, एफ बाई ए इंटू भी बाई डेल्टा भी, यही मिलेगा। इन केस ऑफ गैसेस फोर्स, अप्लाइड, हम कैसा फोर्स अप्लाइड करें, गैसेस फोर्स अप्लाइड करें, तब यहां पे क्या होगा आपका, प्रेशर बदल जाएगा। गैसेस फोर्स अप्लाइड करेंगे तो क्या बदलेगा, प्रेशर बदलेगा। क्या एरिया बदलेगा, एरिया बदलेगा, प्रेशर बदलेगा। अगर प्रेशर बदला तो हम लोग क्या लिखेंगे, देयरफॉर डेल्टा पी ए लिख सकते हैं। ध्यान से समझेगी कि आपके पास में क्या है, ये डेल्टा पी और क्या है ये ए, ए फॉर एरिया। समझ पाया। तो आप ये भी जानते हैं कि फोर्स इक्वल टू क्या होगा हमारा, क्या लिखा हुआ है, ये फोर्स अप्लाइड, यानी कि एफ इक्वल टू डेल्टा पी इंटू ए, नहीं है। यहां से अगर आप पी को बाहर कर दें, डेल्टा पी को बाहर कर दें या पी को बाहर कर दें तो आपको क्या मिलेगा, एफ बाई ए। थोड़ा सा समझिएगा, यहां पे आपने लिखा एफ इक्वल टू क्या लिखा, डेल्टा पी इंटू ए। अगर यहां से पी को बाहर कर देते हैं तो पी को बाहर के मतलब क्या मिला आपको, एफ बाई ए, फोर्स बाय एरिया। हो गया। तो B इक्वल टू क्या मिल जाएगा, चलिए बताइए जल्दी, B इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, यहां से देखिए इधर क्या लिखा हुआ है, F, ये क्या लिखा हुआ है, F के जगह में आप डेल्टा P इंटू ए लिख सकते हैं। नहीं समझ पा रही है, ये F है, ये भी क्या है आपका F, तो F की जगह में क्या लिख सकते हैं, डेल्टा P इंटू ए, फिर आपके पास में क्या है, इंटू भी बाई क्या है, A इंटू डेल्टा भी। यहां से ये क्या हो जाएगा, कैंसल होगा, क्या मिला, डेल्टा पी भी बाई डेल्टा भी, यानी कि B इक्वल टू आपको मिला डेल्टा पी भी बाई डेल्टा भी। हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। हो गया। अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ पी भी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, नहीं लिख सकते, पी भी इक्वल टू कॉन्स्टेंट आपने लिखा था वहां पे, पी भी इक्वल टू एनआरसी।
तो पी भी यहां पे क्या है, कॉन्स्टेंट हुआ। पी भी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अगर यहां पे समझिएगा कि प्रेशर भी कॉन्स्टेंट हो गया और वॉल्यूम भी कॉन्स्टेंट हो गया, तो इसको हम दो तरह से लिख सकते हैं। मेरा बात को ध्यान से सुनेगी, अब इस केस में क्या बोल रहा है कि आपका प्रेशर भी कॉन्स्टेंट हो गया और वॉल्यूम भी कॉन्स्टेंट हुआ। यहां तक आप क्या देख रहे थे, केवल आपका वॉल्यूम कॉन्स्टेंट था, प्रेशर हमारा कॉन्स्टेंट नहीं था। डेल्टा पी लगा हुआ था, मतलब चेंज था हमारा कौन, प्रेशर, लेकिन वॉल्यूम क्या था, कॉन्स्टेंट था। डेल्टा का मतलब क्या हुआ, चेंजेस। तो डेल्टा पी मतलब चेंज इन प्रेशर, और वी का मतलब चेंज इन वॉल्यूम, नहीं वॉल्यूम इज कॉन्स्टेंट। अगर उसका आगे डेल्टा लगा होता तब वो क्या होता, कॉन्स्टेंट होता, चेंज इन वॉल्यूम होता, समझ में आया। लेकिन वी के आगे में आपका डेल्टा नहीं लगा हुआ है, मतलब ये क्या है, कॉन्स्टेंट। अब इस केस में क्या हुआ कि आपका पी भी कॉन्स्टेंट दिखा रहा है और क्या है, वी भी कॉन्स्टेंट है, नहीं है कॉन्स्टेंट है। तब इस केस में अगर आप क्या करते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट कर दें, क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट कर दें। देखिए डिफ्रेंशिएट बोथ साइड, इसको दोनों ओर से अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं दोनों ओर से, तो क्या मिलेगा उसको भी ध्यान से देखिएगा कि पी डेल्टा भी, समझिए मेरे बात को, कि एक बार उस वहां पे क्या चेंजेस था, प्रेशर, अभी हमने प्रेशर को क्या रख दिया, इसको चेंज बना दिया, वॉल्यूम को बनाया, प्लस बोलिए डेल्टा पी भी इक्वल टू जीरो। इसका यही मतलब हुआ ना, पी भी और पी और भी दोनों कॉन्स्टेंट है, उसका मतलब क्या हुआ कि एक बार आप किसको दिखाएंगे, प्रेशर को कॉन्स्टेंट दिखाएंगे और चेंज इन वॉल्यूम दिखाइएगा। दूसरा केस में चेंज इन प्रेशर और दूसरा कॉन्स्टेंट इक्वल टू जीरो, समझ में आया। अब इस केस में क्या देखें आप कि यहां पे क्या है, ये प्लस, अगर हम इसको आगे सोल्व कर दें तो पी डेल्टा भी इज इक्वल टू माइनस डेल्टा पी भी मिल जाएगा, नहीं मिलेगा, मिलेगा। ये आपका पी दिखाई देता है और पी को बाहर निकालिए, पी को बाहर निकाल देंगे तो आपको क्या मिलेगा, माइनस डेल्टा पी भी बाई डेल्टा भी। यहां पे नेगेटिव साइन किसको इंडिकेट किया, अगर प्रेशर आप बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम आपका घटेगा, ये नेगेटिव साइन ना इंडिकेट इंडिकेट प्रेशर इंक्रीज इंक्रीज देन वॉल्यूम डिक्रीज, ये दिखाता है सिर्फ नेगेटिव साइन, और इसका नेगेटिव का यहां पे साइन का कोई भी काम नहीं है, कि प्रेशर को बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम आपका क्या हो जाएगा, घट जाएगा, समझ पा रही है। नेगेटिव और का यहां पे कोई भी काम नहीं है नेगेटिव साइन का। हम इसको मान लेते हैं क्या, इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन सेकेंड, चलिए ध्यान दीजिएगा। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, क्या आपको इक्वेशन फर्स्ट मिला और ये इक्वेशन सेकेंड है, ध्यान से देखिएगा। P इज इक्वल टू माइनस डेल्टा पी भी बाई डेल्टा भी, बी इक्वल टू डेल्टा पी भी बाई डेल्टा भी, क्या समझे, चलिए ध्यान से देखिए कि हम यहां पे क्या लिखें, P लिखें, ठीक, इक्वल टू P और B का दोनों का वैल्यू क्या है, सेम है। यहां पे नेगेटिव साइन आपको किसको केवल दिखा रहा है कि वॉल्यूम मतलब प्रेशर अगर हमारा बढ़ रहा है तो आपका वॉल्यूम केवल घट रहा है, इसको केवल दिखा रहा है, और बाकी टोटली वैल्यू आपका P और B का क्या है, सेम है।
समझ में आ गया। बी यहां पे क्या था आपका, वॉल्यूमेट्रिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और पी यहां पे क्या है, प्रेशर। तो पी इज इक्वल टू बी, समझ में आ गया। यानी कि वॉल्यूमेट्रिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी किसके बराबर होता है, प्रेशर के बराबर होता है। यह सूत्र है। चलिए थर्ड नंबर, जिसका हमारा नाम क्या था, शेयरिंग या रिजिडिटी, शेयरिंग या रिजिडिटी मॉडुलस, या शेयरिंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। शेयरिंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसको और एक नाम से जानते हैं, रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी लिख ही देते हैं, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इसके नाम से जानते हैं। हो गया। फिजिक्स की भाषा में इसको कैपिटल जी से रिप्रेजेंट किया जाता है। यहां पे ये कैपिटल जी का मतलब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट नहीं होगा, ठीक। शेयरिंग हमने पढ़ चुका था कि आपके पास में कोई बॉडी है, ये बॉडी आपका यहां पे ये बेस क्या होता है, फिक्स होता है। अगर इसकी टॉप पे आप कैसा फोर्स लगाते हैं, टेंजेंशियल फोर्स लगाते हैं, तो ये वाला भाग आपका आगे जाके क्या हो जाएगा, थोड़ा दूर में शिफ्ट हो जाएगा, इस तरह से नहीं होगा। तो यहां से यहां का जो दूरी था, पहले का दूरी को क्या माने थे, एल, और चेंज जो दूरी हुआ, ये दोनों के बीच में जो दूरी बदला वो कितना बदला, डेल्टा एल बदला, और डेल्टा एल बदलने से यहां पे क्या क्रिएट हुआ, एक एंगल, इसको हम क्या मान लेते हैं, थीटा मान लेते हैं। समझ पाई। अब यहां से लेकर, यहां से समझिएगा, यहां से लेकर इसका ये देख रहे हैं, ये ऊंचाई को हम क्या मान लेते हैं, h मान लेते हैं, हाइट है। इस पॉइंट से लेकर ये पॉइंट क्या है, इसका हाइट है, उस हाइट को हम क्या मान लिए, h मान लिए। समझ पाई। और ये भाग इसका क्या है, मतलब एरिया है, ये भाग इसका क्या है, एरिया, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इससे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। तो यहां पे g इक्वल टू क्या होगा बताइए, g का मतलब क्या, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इक्वल टू क्या होगा, जल्दी, शेयरिंग स्ट्रेस बाय शेयरिंग स्ट्रेन, यही होगा। अभी तक तुम यही पढ़ते आए, और z इक्वल टू शेयरिंग स्ट्रेस, फॉर्मूला था हमारा वही होने वाला है, फोर्स बाय एरिया बाय शेयरिंग स्ट्रेन को थीटा से रिप्रेजेंट हम लोग करते हैं, नहीं किया है ये, तो थीटा इक्वल टू आपने क्या सीखा, जल्दी बोलिए, थीटा इक्वल टू डेल्टा एल बाय एल, लेकिन यहां पे एल के स्थान पे हमने क्या लेकर रखा, एच लेकर रखे है क्या, नहीं समझ पाए, लंबाई के स्थान पे अभी हमने क्या रखा, एच, तो क्या आप इसको लिख सकते हैं, डेल्टा एल बाई एच, अब भी समझ में नहीं आया, तब इस केस में आपको क्या मिलने वाला है, जी इक्वल टू एफ बाई ए बाई थीटा के जगह में क्या लिखेंगे, डेल्टा एल बाई एच, समझ पाई। और फाइनली आपको रिजल्ट क्या मिलने वाला है, एफ एच बाई ए डेल्टा एल, आया समझ में। ए स्टील वायर, चलिए
समझ में आया? क्वेश्चन समझाते हैं आपको। एक देखिए, ए स्टील वायर ऑफ लेंथ, आपके पास में क्या है? एक स्टील का वायर है, ये देखिए ये क्या है, स्टील का वायर है, ठीक। लेंथ कितना? 4 मीटर, मतलब यहां से लेकर इसकी लंबाई कितना आपका? 4 मीटर, ये देखिए, समझ पा रही है? एंड डायमीटर 5 mm, ये देख रहे हैं ये वाला भाग, ये कितना आपका? 5 mm, इज स्टेट बाई 5 kg वे, इसका नीचे आप कितना वजन लगाए? 5 kg वेट डालें। फाइंड द इंक्रीज इट्स लेंथ, वजन डाले हैं तो इसका लेंथ क्या होगा? बढ़ेगा। अब कितना बढ़ेगा, मान के चलिए कि इतना सा बढ़ा, ये आपका क्या कहलाता है? डेल्टा एल। तो यही डेल्टा एल कितना है, और स्टील का आपका वाई दिया हुआ है 2.4 × 10^12 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ पाई? चलिए बनाइए। ध्यान देना है, क्या ध्यान देने वाली बात, कि सबको आप एक ही कोण पे लाएंगे। देखिए यहां पे मीटर है और यहां पे एमएम है, मिलीमीटर है, या तो सेंटीमीटर में कर दीजिए या सबको मीटर में कर दीजिए। चलिए मीटर में करके बनाते हैं, ठीक। गिवन दैट एल इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 4 मीटर। सेंटीमीटर में बनाए तो कितना हो जाएगा ये 4 मीटर का? 400 सेंटीमीटर नहीं होगा? दूसरा हमारे पास में क्या दिया हुआ है? डायमीटर दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है? डायमीटर इज इक्वल टू 5 mm, तो r इज इक्वल टू क्या होता है? d/2, तो d कितना? 5 mm/2, यानी कि 2.5 mm मिला। तो r का वैल्यू mm में अभी भी है, उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दीजिए। सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 0.25 सेंटीमीटर। कितना? 0.25 सेंटीमीटर। समझ पाई? नहीं आया समझ में? वाई का क्या वैल्यू दिया हुआ है? 2.4 × 10^12 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। देखिए हो गया, क्या यहां पे एफ भी दिया हुआ है? कितना दिया हुआ है एफ? एफ 5 kg वेट, 5 kg दिया हुआ है, 5 kg वेट, 5। ध्यान से देखिएगा, 5 × ग्राम में चेंज करेंगे ना, सेंटीमीटर में आए तो इसको ग्राम में चेंज करेंगे, तो 1000 ग्राम इक्वल टू 1 kg। फिर वेट है, यानी कि डाइन में वेट अगर केजी में रहता है तो 9.8 होता है, नहीं होता है? लेकिन डाइन में है तो कितना होगा? 980। नहीं समझ पाई? तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 × 1000 × 80 कितना आएगा? जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो आप वैल्यू पुट कर लीजिएगा, ठीक। आपको क्या निकालना है? डेल्टा एल इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। फॉर्मूला आपको पता है? क्या फॉर्मूला जानते हैं? वाई इक्वल टू एफ बाई पाई आर स्क्वायर ना, इंटू जल्दी एल बाई डेल्टा एल, एल बाई डेल्टा एल। क्या फॉर्मूला सीखें? एफ इन एफ बाई पाई आर स्क्वायर इंटू एल बाई डेल्टा एल, यही तो सीखे। तो यहां से डेल्टा एल को बाहर निकालिए, डेल्टा एल को बाहर निकालेंगे तो क्या होगा बोलिए? एफ एल बाई पाई आर स्क्वायर इंटू वाई, क्या बनेगा? नहीं बनेगा? डेल्टा एल इक्वल टू एफ का क्या वैल्यू दिया हुआ है?
5000 इंटू 980 इंटू एल का क्या वैल्यू है? हाँ है 400 बाय पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर कितना 0.25 स्क्वायर है तो स्क्वायर इंटू यंग मॉडुलस कितना इलास्टिसिटी 2.4 इंटू 10^12 चलिए डेल्टा एल इक्वल टू देखिए जितना जीरो है उसको एक जगह निकाल दीजिए ये सब जीरो दिखाई देता है ये सब जीरो को एक जगह निकाल दीजिए और उसका वैल्यू लगा दीजिए और इससे काट दीजिए क्या मेरा बात समझ पाई चलिए ध्यान से देखिएगा यहां से आप इसको क्या लिख सकते हैं 5 × 10^3 लिख सकते हैं क्या इसको इंटू इतना 9.8 × 10^2 इसको लिख सकते हैं नहीं समझ में आया आया इंटू इसको क्या लिख सकते हैं 4 × 10^2 बाय इंटू 7 भी कर दू पर इंटू क्या करते हैं 7 ये 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा नीचे क्या बचा आपका 22 इंटू 0.25 इंटू 0.25 0.25 × 0.25 मल्टीप्लाई किसे 0.25 × 0.25 × 2.4 × 10^12 और डेल्टा एल इक्वल टू 5 × 9.8 × 4 × 7 × जोड़िए कितना 10^7 आया नहीं आया बाई 22 इंटू क्या हम इसको इस तरह से लिख दें 25/100 लिख सकते हैं इंटू 25/100 इंटू 2.4 × 10^12 काटिए इसको कितना बचा 5 भी बचेगा सही और डेल्टा एल इक्वल टू एक बार सिंपली फॉर्म में लिखते हैं 5 × 9.8 × 28 लिख दे इसको लिख दे 28 इंटू ध्यान से देखिए ऊपर चला जाएगा तो 10^4 क्लियर बाई आप क्या बचा आपके पास में 22 × 25 × 25 × 2.4 × 10^5 और 1 बचा चलिए डेल्टा एल इक्वल टू क्या मिला आपको 5 × 9.8 × 28 बाई 22 × 25 × 25 × 24 2.4 × 10 यहां पे एक 10 बचा हुआ है ना क्या मिल जाएगा 24 चलिए आप सॉल्व कर पाएंगे अब इसको आप आगे थोड़ा सा क्या कर देंगे सॉल्व कर देंगे तो इसको जैसे ही आप आगे सॉल्व करेंगे आपको वैल्यू मिलेगा
0.0041 सेंटीमीटर। इतना आपका स्टील का वायर क्या हो गया, लंबा हो गया था। चलो क्वेश्चन लिखिएगा, फेन द प्रेशर ऑन ए स्फीयर, फेन द प्रेशर ऑन ए, चलिए गिवन दैट P इक्वल टू क्या दिया हुआ है, जल्दी बोलिए, P इक्वल टू 80 atm एटमोस्फियर, समझिएगा मेरा बात, प्रेशर 80 atm, atm का पूरा नाम एटमोस्फियर, ध्यान दीजिएगा, 1 atm इक्वल टू क्या होता है, बोल गई 1.013 इंटू 10 पावर 5, कितना 10 पावर 5 न्यूटन्स पर मीटर स्क्वायर, कितना, इतना ही होता है ना, समझ में आ गया। अब ध्यान से देखिए, यहां पे आपका डेल्टा भी कितना दिया हुआ है, 0.01% परसेंटेज में है, ध्यान दीजिएगा क्या दिया हुआ है, परसेंटेज में है, मतलब इसका मतलब यह हुआ कि डेल्टा भी बाई भी इक्वल टू 0.01/100, समझ में आया, परसेंटेज का मतलब क्या 100। निकालना क्या है, बी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, क्या बी इक्वल टू आपको फॉर्मूला पता है, क्या होता है, पी भी बाई डेल्टा भी, पी भी बाई डेल्टा भी, नहीं है, अभी निकाले, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, चलिए ध्यान से देखिए, क्या आप इस इक्वेशन को लिख सकते हैं, B इक्वल टू पी बाई क्या है डेल्टा B, ये आपका फर्स्ट टर्म है अभी, तो क्या आप थर्ड टर्म में लिख सकते हैं, नहीं समझ में आया, आया तो बोलिए ना, P का क्या वैल्यू था आपके पास में, P का क्या वैल्यू 80 × 1.013 × 10^5 y, इसका वैल्यू दे ध्यान दीजिए 0.01/100, समझ पाई, सॉल्व कीजिए जल्दी। आप इसको जब सॉल्व कर लेंगे तो आपको भी का क्या वैल्यू मिलेगा 8.1 × 10^10 न्यूटन्स पर मीटर स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगा, ये छोटा सा न्यूमेरिकल है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये 100 आपका ऊपर चला जाएगा, उसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आपको ये वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है, हम लोग खत्म करते हैं, कल और देखते हैं आगे।